Ele. Poi să ajungi la da. Oh. Yes. Ele. Ne-i dorac, n-ai să le lume. Hai, hai, hai. Ce bun la. Assalamualaikum, welcome to another super gym meeting and delicious video. Once again, हम थोड़ा सा different style में आपको intro दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ uncle बैठे हुए हैं. अच्छा यार, ये vlog थोड़ा सा different है. अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से आगे मरी के पास एक जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं हम. Hidden point है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखा दिया तो सारी वहाँ से पहुँच जाना है. बड़ी मुश्किल से मुझे वो पॉइंट मिला है. लेकिन अभी हम निकले सुबह के तकरीबन 6:45 बजे का टाइम है और खाली पेट है जैन साहब भी और साकिब साहब भी. तो अभी हम नाश्ता करेंगे पहले हनीफे से, नीचे के पास जाते हैं, वहाँ से जाके पावे शावे खाते हैं, मटन पावे छोटे वाले अच्छे वाले. The only acceptable पावाज in Lahore are the मटन पावाज ऑफ हनीफा. वो ट्राई करते हैं, खाते हैं जाके इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ. लाहौरी पाए बिल्कुल नहीं खाते, बातें बनी हुई गले में. ये सुबह सुबह लाहौर ऐसा लगता है खूबसूरत, माशाल्लाह. माशाल्लाह कुत्ते भी आ रहे हैं भागते हुए. चुप कर रहे, हम नाश्ता करने जा रहे हैं. इस टाइम हम एंटर हो गए हैं आप इस मार्केट में. इस टाइम सारी बंद पड़ी है सारी मार्केट यार. यहाँ पे जो है ना, ये टेंपल रोड जो है ना, छोटी सी फूड स्ट्रीट है हमारे पास. ये घूमगा चाय वाला, यहाँ पे भी हलवा पूड़ी की शॉप है. ये मजदूर यहाँ पर है, ये मतलब फ्री नाश्ते वाले हैं शायद लोग, है ना. यहाँ पे फ्री नाश्ता भी मिलता है. और हम आगे जा रहे हैं. घूमगा चाय वाला वो दुकान है जिसका शटर नहीं है. शटर नहीं, नहीं हाँ. और गूंगा चाय वाला से इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गूंगे चाय पीते हैं. चाय बेचने वाला गूंगा नहीं है. हाँ. तो यहाँ पे लोग आके चाय पीते हैं ना, वो असल में गूंगे लोग ज्यादा यहाँ पे चाय पीते थे. उसका नाम ही गूंगा गूंगा टी स्टॉल, गूंगा गूंगे के नाम से मशहूर हो गया. हम आ गए अल सेहत कॉर्नर में. अभी बात करते हैं, दो प्याले कर दे रेडी. ठीक है, आपने जो गाना ये है छोटे पावे, ये है मगज. इससे सबर नहीं होता, टू बना लगा. नहीं मैं रोटी में ही खाने लगा. हाँ ये वैसे कुछ भी नहीं मिलती, एक बार सारा काम तो अच्छा. ये बोन मेलो है, ये वैसे भाईजान पावे हमने खा लिए हैं. और यकीन करें कि लाहौर में आज आके ना यही ऑप्शन बचती है जो समझ में आती है कि इसके पाए ही खाने वाले हैं. ऐसे ही ऐसे ही है, मज़ेदार ऐसे ही है. मगज़ मज़ेदार, ओए मगज़ तो बहुत कमाल था यार. मगज़ मैंने आपको दिखाया नहीं, तो मैंने खुद खा लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मज़े का था, बहुत कमाल मैंने तो खा ही गया. आज हम थोड़ा सा व्लॉग टाइप में ना, व्लॉग में ना कुकिंग कुछ करेंगे इंशाल्लाह. थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर बन गया बाकी अल्लाह मालिक है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन जो भी हमें समझ में आया वो हम बना लेंगे इंशाल्लाह. यार अभी जो है ना, हम पहुंच गए हैं इस टाइम काफ़ी देर ट्रैवल कर करके ना, हम पहुंच गए मियाँ जी के होटल पे. यहाँ की दाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हम दाल नहीं खाएंगे यहाँ से, हम सिर्फ चाय पियेंगे और इनका पानी बहुत मज़ेगा. एक बात मैं यहाँ के बारे में अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कभी यहाँ से गुजरे आपको प्यास लगे तो इनका पानी पी लें, और यहाँ पर आपको पानी तो फ्री मिलेगा. दूसरी बात यह कि इसका पानी ना इतना कमाल टेम्परेचर को उन्होंने मेनटेन किया होता है कि आपकी प्यास ही बुझ जाती है और आपको मज़ा भी हो जाता है और ठंड पड़ जाती है उसमें, लेकिन साथ में हम चाय भी पी लेंगे. हो गया यार, चाय चाय पी ली, अब हम वापस निकल रहे हैं. चाय दिखाई नहीं मैंने यार, चाय नहीं दिखाई यार, चाय नहीं दिखाई यार, बड़ा गलत केस है, बहुत गलत. अच्छा यार, थोड़ा सा चेंज है प्लान के अंदर. वही है कि हमने सोचा है कि वहाँ पे हम जाके जो बैठेंगे इंतजार करेंगे, तो भूख तो हमें लग रही है थोड़ी सी, कुछ खा पी भी लेंगे, लेकिन साथ में हम लेंगे हदवाना. हदवाना जी बोले तो तरबूज. तो जहाँ हम जा रहे हैं अभी आबशार वगैरह है, तो पानी ठंडा ही होगा, उसमें डुबो देंगे उसको, थोड़ा ठंडा करके भी खा लेंगे. लाल मुंडे वर का लाल. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? लाल तरबूज है मुंडे वर का. मैं कितना लाल है यार.
पहले वजन कर लो। सब्जी की दुकान पे हम पहुंच गए हैं, अब हमने यहाँ से लेने हैं शिमला मिर्च और टमाटर। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? लोजी ये हमने ले लिया है सब्जी, अब चलते हैं आगे। लोजी 12 का हुआ आ गया और यहाँ पे हम उतर के यहाँ से चिकन चिकन लेते हैं, फिर हम जो है अपने मसाले स्पेशल, हमारे पास मसाले, हम बहुत स्पेशल मसाले लेके आए हैं और उन मसालों को यूज़ करते हुए हम कुछ ना कुछ पकाएंगे, कोशिश करेंगे बारबेक्यू कर लें या जो भी हम कर सकें। लेकिन फिलहाल पहला टास्क जो है वो यहाँ से चिकन लेना, बजाय इसके कि हम टाइम ज़ाया करें हम चिकन ले लेते हैं। चिकन लपो तो देगी तो लपे भाई, यहाँ हमें मुर्गी कहाँ से मिलेगी? सीधे इसी रोड पे आएगा। ओके जी यार, अभी हम आए हैं पंजाब कैश एंड कैरी में, यहाँ पे चलते हैं जाकर नमक शमक ले जाएंगे। नमक मात्र के मसाले हैं, उनमें नमक नहीं है, और चिकन लेकर देखते हैं मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा यार साथ में पंजाब कैश एंड कैरी हमने चीज़ें ले ली हैं, नमक अच्छी लेंगे। ये हमारा चिकन रेडी हो गया यार। चिकन का रेट है 780 रुपए किलो, बहुत ज्यादा महंगा हो गया यार चिकन। 780 रुपए किलो सिंपल, बोनलेस वाला 1100 रुपए मिला हमें। ओके यार, ये जो आ गया हमारा पॉइंट जहाँ हमने जाना था, जो हमने यहाँ आना था। ये जगह कौन सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक हिडन पॉइंट है जो कि गड्डी लगेगी दरख्त के थले। ओ भाई थले ना कट दी, वो दरख्त के थले रुकी। ठीक है यार, हम इतने अकलमंद हैं कि हमने ऑयल भी नहीं लिया और दही भी नहीं लिया, और हमने कहा जी हम मैरिनेट करेंगे चिकन को जाके, फिर उसका बारबेक्यू करेंगे, तो मैरिनेशन के लिए जो पूरा सामान था हमने लिया ही नहीं है, और हम ऐसे ही मुंह उठा के जो है पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ से बाहर निकले दोबारा कुछ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कोई दुकान तो है कोई नहीं, पहाड़ी इलाका है सारा, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हमें कोई दही मिल जाए कहीं से, ऑयल तो मिल गया। फाइनली वी फाउंड द ऑयल एंड द दही, थैंक यू पानी। लो जी हम नीचे जा रहे हैं, हाथ में हमारे सामान है, वी आर गोइंग डाउन। भाई टाइम हमारा असल में बहुत ज्यादा हो गया, कुछ दही की वजह से, कुछ सुबह के पावों की वजह से। यार नीचे चलते हैं, वो सामने वहाँ पे सुना मैंने, यहाँ पे सुना वाटर स्ट्रीम्स भी होती हैं। यार ये जगह चेक करो माशाल्लाह, वो पॉइंट हमने डिसाइड किया यहाँ पे बैठ के अभी हम कुकिंग करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है हम ये दुआना, जो है ना ये दुआना यार, इसको ऐसी जगह पर रखे जहाँ पानी ना थोड़ी सी वो पड़ रही हो, वो पॉइंट है यहाँ पे रख लेते हैं इसको। भाई जान मेरा ख्याल है अब थोड़ा चिकन लेके ना, तो हम उसको थोड़ा साफ करके मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, वरना हमें यहाँ पे शाम हो जानी और टाइम खत्म हो जाना है। ठीक है डाल दे इन सारी नहीं डालनी भाई, और डाल तो सही ओ भाई, बाकी तो उधर खानी है वो उसका कीचड़ कर रहा है मेरे दोस्त। चलो एयर टाइट करना था वैसे। ठा क्या हमारी सीखें आ जाएंगे ऐसे एक दो। ठीक है ये जो है ना, ये भाई इनसे हमने माचिस लिया, दे फेंक दे इधर। लो जी हमारा तरबूज वाला ठंडा हो गया, हम इसको खा लेते हैं, जब तक मैरिनेशन हो रही है तब तक इसको खा लेते हैं। उधर से और
यस ये ले। नहीं उधर रख रहा है, ऐसे कैसे ले लूँ मैं। हाँ 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 जी, हमारा जो है ना ये तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये आज आपके भाई ने खुद बनाया। होटल पाला होटल। ओए होए यार, कोई मसाले नहीं डाले इसमें, कोई लीमू नहीं डाला, कोई सोया सॉस नहीं डाला। ओहो क्या सिंपल सा तिक्का बनाया मैंने। इसमें सारा कमाल है मसालों का। मसाले जो है ना वो हाथ से पिसाई है मसाले, खालस मसाले। शिमला मिर्च की बारी है यार, ग्रिल हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ से दही लिया हमने, और ये टमाटर है ना, टमाटर ये वाला, ये टमाटर भी निकाल लेते साथ में। हाँ ये टमाटर और ये दही वाला टिक्का इसके अंदर। ओह यार जैन, ये क्या रख लिया? दुकान पाला है, दुकान पाला। क्यों मैं ना लाना पैना? ठीक है, खाने में ही आया करूँगा, टेंशन ना ले। लो जी हमने यहाँ पे कर लिया, कुकिंग शुकिंग कर ली है, और हम जा रहे हैं घर की तरफ। सबसे अच्छी बात ये है कि अब तरबूज नहीं है हमारे पास, तो सामान है वो कम रह गया, थोड़ा आसान है उसको उठाना। आपसे मुलाकात करना इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तब तक अगली वीडियो ज़्यादा दीजिए, और दिस इज माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे कब से होती मुलाकात होती है, लाइक ज़्यादा इंस्टाग्राम पर। हेलो हेलो, मुझे भी अल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऐसे फैब्रिका को सब्सक्राइब कर लो, ये कहना चाह रहा है तो कर लें भाई। अल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।